नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। पथरौलिया में महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रधान पद से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। बता दें कि विकास खंड के लोहरा गांव के प्रधान शिखा पोत्री राम सेवक को प्रधान पद से मुक्त करने के लिए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जाँच करने की मांग की। बता दें कि लोहरा गांव निवासी विनीत पांडे द्वारा जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्तमान ग्राम प्रधान शिखा पोत्री राम सेवक जो कि कुम्हार जात से आती हैं, यह जात पिछड़े वर्ग से संबंधित है। शिखा पुत्री राम सेवक द्वारा लेखपाल मंडल अतरौलिया को झांसी में रखकर खुद के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया गया, उसे ही लगाकर ग्राम पंचायत 2021 चुनाव में ग्राम लोहरा की प्रधान चुन ली गई। इस संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को मामले की जानकारी दी गई तथा आनंद फानन में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा इस मामले की जाँच कराई गई तथा मामले को सत्य पाया गया तो शिखा के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। गाँव निवासी विनीत पांडे ने बताया कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त हो जाने के बाद शिखा का प्रधान पद हेतु भरा गया नामांकन पत्र निरस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि समस्त रूप से इसी अनुसूचित के प्रमाण पत्र का नामांकन प्रपत्र में उल्लेख शिखा के द्वारा किया गया है। इसके अलावा शिखा के प्रधान पद के नामांकन प्रपत्र को ध्यान में रख देखने पर कई जगह व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधान द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, अतः सबकी जांच कराकर कार्रवाई कर की जाए। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इस प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि गांव निवासी विनीत पांडे ने क्या कुछ कहा। विनीत पांडे, ग्राम पंचायत लोहरा। क्या आपको डीएम और एसडीएम को क्या ज्ञापन दिया इसके बारे में? हमारे यहाँ बीते ग्राम पंचायत चुनाव में हमारे गांव की महिला के द्वारा फर्जी जात प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत प्रधान पद का चुनाव जीता गया, और इसके बाद हम सब ग्रामीणों को ये जानकारी हुई तो हमने जो है उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में ज्ञापन दिया, और इसके इस संबंध में ग्राम थाना तरौलिया में मुकदमा भी लिखा जा चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर से हमने जो है रिमाइंड करा के जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में कई बिंदुओं पर ज्ञापन तैयार किया, जिसमें कहा गया कि इस मामले को सख्त से सख्त सुनवाई करके अवलोकन करके तत्काल जो है इस पर कार्रवाई की जाए, और यदि मामला सत्य पाया जाता है तो ग्राम पंचायत प्रधान को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके ये ऐसी कार्रवाई की जाए। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र लिए हैं? प्रार्थना पत्र हम लोगों ने सबसे पहले जो है जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में अवगत कराएं, उनके द्वारा अपने ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने के लिए संस्तुति कराएं, जिसके आधार पर आपके ग्राम पंचायत प्रधान को बर्खास्त किया जाएगा। क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब? एसडीएम साहब ने समस्त प्रमाण पत्रों का खुद अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि मामले की मैं गहनतापूर्वक जाँच करूँगा, जाँच करने के बाद ये आपका आरोप यदि सत्य पाया जाता है तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैंने अपने उप जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है कि जब से पंचायत का गठन हुआ तब से भारी मात्रा में फर्जी भुगतान हुए, उन फर्जी भुगतानों की सघनतापूर्वक जिले स्तर पर कमेटी बनवा के सुनवाई नहीं होती आप कहाँ तक जाएंगे? इसके बाद हमने लोक भवन मुख्यमंत्री के यहाँ भी इस मामले में सूचना दे दी है, वहाँ से ये आश्वासन मिला कि आप अपने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के यहाँ इस मामले को अवगत करावें, अवगत कराने के बाद अगर वहाँ से प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तब फिर यहाँ से आपको कार्रवाई की जाएगी। गांव वाले क्या चाहते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं? ग्राम पंचायत के लोग यही चाहते हैं कि सही ढंग से काम हो, सही व्यक्ति ग्राम प्रधान जैसे गरिमामय संवेदनशील पद पे बैठे, ऐसे व्यक्ति का जो है इस पे बैठना कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र का परिहास है, अपमान है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान जैसे महिमामय पद पे बैठा हुआ है उसके द्वारा लगातार फर्जी भुगतान कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा गंभीर मामला है जिसके लिए मैंने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को अवगत कराया है कि टेंडर जो व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं है उस व्यक्ति के नाम से टेंडर कराया जा रहा है और समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन हो रहा है, यह भी एक कूट रचना में और फर्जी मामले में आता है। इस मामले की भी जाँच करा करके दोषियों को के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, और ग्राम पंचायत के लोगों से मेरा कहना है कि किसी प्रकार के किसी के झांसे में न आवें और किसी प्रकार की किसी अवैध वसूली में भाग न लें, किसी को पट्टे के नाम पे, सोखते के नाम पे, अन्य किसी मामले में किसी प्रकार कोई भुगतान न करें, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम कोई